नमस्कार, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। देखिए, आज हम बनाएंगे इस तरह के डिजाइन। देखिए, बहुत ही सुंदर लगता है बनके। देखिए, डॉट डॉट से हैं ये, कितना सुंदर लग रहा है डिजाइन वाइट में भी। और इस सैम्पल को मैंने 33 फंदों में डाला है, 33 फंदों में। और हमारी बुनाई है 4 सिलाइयों की। देखिए, एक यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन, ये पूरा 4 सिलाइयों में हमारा ये पूरा होगा। तो मैंने बॉर्डर बना के थोड़ा सा, और उल्टी साइड से हमारा ये डिजाइन शुरू होगा। देखिए, उल्टी साइड से इस तरह से दिखेगा। तो चलिए बनाते हैं हम डिजाइन को। इस डिजाइन को आप जेंट स्वेटर में, खासकर जेंट स्वेटर के लिए बहुत ही सुंदर है। बाकी बच्चों के स्वेटर पे डाल सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन किसी पे भी आप इसे डाल सकते हैं। इस सैम्पल पर मैं इसे दिखाऊँगी आपको बना के। देखिए, इसमें मैंने 3-3 फंदों की हमारी बुनाई है। 3-3 फंदे डाल के 30 फंदे मेरे बुनाई के हैं, और 3 फंदे एक्स्ट्रा हैं डाले मैंने। दोनों एक दोनों साइड में एक स्टिच है और एक और एक्स्ट्रा है। देखिए, और तो इसमें भी मैंने इसमें 23 फंदे डाले हैं, 23 फंदे। और देखिए, उल्टी साइड है मेरी। उल्टी साइड से पहला फंदा मैंने जिस बिना बुने ले लिया, चाहे आप बुन लीजिए। और दूसरे फंदे को उल्टा बना दूँगी, नहीं सीधा बनाऊँगी, क्योंकि उल्टी साइड है मेरा ना, तो सीधा बनाऊँगी। और एक देखिए, दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिर दो उल्टे हो गए, धागा नीचे, एक फंदा सीधा, धागा ऊपर, एक फंदा, दो फंदे उल्टे, उल्टे हो गए, धागा नीचे, एक फंदा सीधा, धागा ऊपर, दो फंदे उल्टे, नीचे सीधा, दो उल्टे, और सीधा। इसी तरह से हम लास्ट तक बना लेंगे। दो फंदे उल्टे और एक सीधा चाहिए हमें लास्ट में ना मुझे, तो एक बना दूंगी, दो का एक अलग से एक्स्ट्रा, ये दो का एक कर दूंगी मैं, और एक स्टिच में ये सीधा बना देंगे एक्स्ट्रा। ये मेरे 21 फंदे हैं, 23 कह देते हैं, 21 है फंदे। और देखिए, अब सीधी सिलाई है हमारी। सीधी सिलाई से हम देखिए, पहला फंदा बिना बुने ले लिया, बिना बुने लेके इस तरह से ये चेन आ जाती ना, इसलिए, नहीं तो आप उल्टा कैसा भी बना सकते हैं। और फिर दूसरा फंदा हम उल्टा बनाएंगे। देखिए, उल्टा है ना, इसको उल्टा ही बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे। इन दो फंदों में हमारा डिजाइन पड़ेगा। तो ये दो फंदे हैं ना, देख सीधे पीछे से हमने उल्टे बने थे, जो ये सीधे हैं दो आ रहे, ये देखिए अभी दिख नहीं रहे स्पष्ट, पर दिख रहे थोड़ा बहुत। देखिए, दो फंदों के हमने बीच में से ऐसे सिलाई डालनी है, डाली सिलाई डाल के, और फिर एक फंदा हमने देखिए ऐसे लपेट के लेना है, ऐसे जैसे हम जाली के लिए लेते हैं, पर यहाँ पे हमारी जाली नहीं डलेगी। एक फंदा ये ले लिया, दो फंदे हो गए, और फिर इन दो फंदे, ये जो दो फंदे हैं ना हमारे, इनके ऐसे पहले ऐसे कर लीजिए ढीला, ऐसे नीचे से, ऐसे नीचे से एक फंदा लेना है, ऐसे देखिए ऐसे ले लिया। और हमारे देखिए ये बन गए दो फंदे के, ये तीन बन गए हमारे, तीन बन गए। धागा ऊपर करेंगे और ये उल्टा बनाएंगे एक फंदा, फिर धागा नीचे, फिर दोनों के बीच में से हम इस तरह से नीडल डालेंगे बैक साइड को, और ये इस तरह से एक फंदा लेंगे, और फिर हम धागा लपेटते हुए ऐसे, और ये दो का एक कर देंगे। ये दो फंदे हैं जो जिनके बीच में से डाली थी हमने नीडल, इनका दो का एक नीचे से, बैक लुक से या नीचे से, देखिए ऐसे धागा ऊपर, एक फंदा उल्टा, धागा नीचे, दो में दो बीच में से एक फंदा निकाला दोनों के, और ऐसे एक हमने फंदा घुमाया और दो का एक कर दिया। पहले इस तरह से कर लेंगे इसे, चाहे जो है आपके जैसे फंदे टाइट भी हो जाते हैं तो सही हो जाते हैं। देखिए, तीन बन गए और एक फंदा, फिर धागा नीचे, फिर बीच में से हमने नीडल डालनी है ऐसे, और ऐसे घुमाना एक फंदा, और दो के हमारे तीन फंदे बन जाएंगे। ऐसे हम लास्ट तक बनाते जाएंगे। बना लेती हूँ मैं फिर। देखिए, लास्ट में आ गई मैं। देखिए, लास्ट में भी ऐसे धागा नीचे करा, दो में से एक फंदा निकाला बीच में से डाल के, और इस तरह से हमने धागा घुमाना है, और इन दो में से ऐसे नीचे को लेना है, फिर ऐसे नीचे को यानी बैक लुक को, और ये एक फंदा और निकाल लेना है, और धागा ऊपर, एक फंदा हमारा उल्टा, एक स्टिच को हम सीधा बना देंगे। उल्टी सिलाई, उल्टी सिलाई। देखिए, पहला फंदा तो मैंने ऐसे निकाल दिया,
और दूसरा फंदा पीछे से उल्टा था ना हमारा, जो ले रहे उल्टा बना रहे थे बीच बीच में, तो सीधा बनाएंगे इस साइड से, उल्टी साइड से सीधा बना धागा ऊपर। अभी तीन फंदे हैं, देखिए डिजाइन के तीन फंदे हैं हमारे, तीन में से एक फंदा और दो फंदा, दो फंदे हमने उल्टे बना दिया। और इस तीसरे वाले को हम बिना बुने ले लेंगे, ले लिया धागा नीचे करेंगे और इसको सीधा बना लेंगे, जो सीधा आ रहा है चल पीछे से उल्टा बना रहे हैं हम सीधी साइड से जो, और फिर इन दो को उल्टा बना देंगे। फिर ये तीसरा वाला हम बिना बुने ले लेंगे, फिर सीधा बना देंगे, फिर उल्टा, दो उल्टा, दो उल्टा, एक बिना बुने, धागा नीचे, एक सीधा, दो उल्टा, डिजाइन के दो उल्टे, एक बिना बुने, धागा नीचे, और ये बगल वाला सीधा। इसी तरह से पूरी बना लेंगे सिलाई, लास्ट में हमारा सीधा आएगा एक फंदा, और एक स्टेज को भी सीधा ही बना लेंगे हम। सीधा बनाते आ रही मैं तो सीधा बना लूँगी, चेन आ जाएगी सीधी। और फिर देखिए सीधी सिलाई पे आ गए हम, तीसरी सिलाई पे, दूसरी सिलाई थी अब तीसरी सिलाई सीधी सिलाई। तीसरी सिलाई में देखिए पहला फंदा बिना बुने ले लिया मैंने, और धागा नहीं घुमाऊँगी क्योंकि उल्टा बनाना है, उल्टा बनाया एक फंदा, अब धागा नीचे करेंगे। ये देखिए ये बिना बुने फंदा लिया था हमने, इसको ऐसे ही लेंगे, इस बार भी ऐसे लेंगे पहले, अब धागा ऊपर घुमाएंगे, इन दो फंदों का हम एक फंदा बना देंगे। दो फंदे बुनते चले आ रहे थे जो, दो दो का एक बना देंगे, और फिर ये वाला फंदा हम जो बिना बुने लिया था ना हमने, इसको हम इस तरह से इसके ऊपर से घुमा देंगे। देखिए तो इस तरह से हमारा ये इस तरह से डिजाइन का लुक आएगा। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है ना, छोटा सा बिंदी सा नज़र आ रहा है उसमें। देखिए उल्टा बनाया और फिर से हमने ये बिना बुने लिया, और इसको दो का एक कर देंगे, दो का एक करेंगे धागा नीचे करके, और ये इस तरह से इसके ऊपर से घुमा देंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है डिजाइन, धागा ऊपर, एक फंदा उल्टा, फिर उसी तरह से इस बिना बुने को ऐसे निकालेंगे सिलाई पे नीडल पे, और धागा ऊपर करेंगे, और दो का एक बनाएंगे, उल्टा बनाएंगे, दो का एक, धागा नीचे करके और इसको ऐसे घुमा देंगे, धागा ऊपर, फिर एक फंदा हमारा बीच का उल्टा, ये बीच के उल्टे ही चलते जाएंगे हमारे, जो भी उल्टे हैं जितने, फिर उल्टे ही रहने देंगे। धागा इस तरह से ले लेंगे इसको बिना बुने, और दो का एक करेंगे, धागा नीचे, और इस फंदे को ऐसे घुमाएंगे। देखिए इसी तरह से बना लेते हैं। लास्ट में आगे देखिए इसको बिना बुने को लिया, और ये दो का एक करा, इस तरह से धागा नीचे कर देंगे, और इसको इस तरह से ऐसे घुमा लेंगे। देखिए धागा ऊपर करके एक फंदा उल्टा, और ये एक्स स्टिच हमारा किनारे का एक्स्ट्रा है जो, उसको सीधा बना देंगे। देखिए इस तरह से आ गया, देखिए आ गया ना, देखिए उल्टी सिलाई, देखिए चौथी सिलाई है हमारी उल्टी सिलाई। उल्टी सिलाई में देखिए पहला फंदा, ये दूसरा सीधा बना दिया मैंने जो पीछे से उल्टा था। अब ये जो डिजाइन का फंदा है हमारा, इसको उल्टा बनाएंगे, दो का एक किया था ना, इसको उल्टा बना देंगे। धागा जो है इस तरह से घुमाएंगे हम ऐसे यहाँ पे, क्योंकि फंदे हमारे घट गए ना, यहाँ पे एक रह गया, दो रहने चाहिए थे, तो ये एक फंदा बढ़ाया मैंने और ये सीधा बना दिया धागा ऊपर, इसको उल्टा बनाएंगे, फिर धागा ऐसे करके यूँ घुमाएंगे, क्योंकि हमने सीधा बनाना है ना। तो चाहे आप ऐसे भी रख सकते हैं, धागे को ऊपर रहने दो, और इस तरह से जैसे हम जाली बनाते हैं इस तरह से भी बढ़ जाएगा आपका फंदा एक ना, ऐसे धागा ऊपर, एक फंदा उल्टा, धागा नीचे, और धागा नीचे, और ऐसे घुमा के ले लेंगे हम फंदे को, ऐसे घुमा के सीधा बना देंगे। इसी तरह से हम ये पूरी सिलाई बना लेंगे। देखिए धागा को ऐसे घुमा दो, ऐसे नीचे को ना, ये सीधा, धागा ऊपर, एक फंदा उल्टा, धागा ऊपर, एक फंदा उल्टा, और धागा नीचे, यहाँ पे नहीं बढ़ाएंगे फंदा क्योंकि यहाँ किनारे का ये ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो एक हमारा, और ये हमारा ये एक्स स्टिच सीधा हो गया। चार सिलाइयाँ बन गई हमारी, देखिए चार सिलाई में इस तरह से बनाया है। एक डिजाइन पूरा हो गया हमारा, दूसरा डिजाइन भी हमने इसी के ऊपर से बनाना है, उसी तरह से जैसे यहाँ से शुरू करा था हमने। देखिए शुरू करके दिखा देती हूँ मैं थोड़ा सा, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, और धागा नीचे,
अजी दो फंदे देखिए हमने ये बढ़ाया है ना जाली वाला, इन दोनों के बीच में से ले जाना है इस बार हमने ऐसे करके, ऐसे देखिए यूँ, और धागा ऐसे घुमाएंगे हम ऐसे, और फिर इन दोनों का नीचे से बैक लुक से ऐसे देख के दो का एक कर देंगे ऐसे, ऐसे आएगा ये, और फिर ये फंदा उल्टा उल्टा चलता जाएगा ये, फिर इसी तरह से दोनों के बीच में से लेना, फिर ये उल्टा बनाना, इसी तरह से जैसे हमने ये चार सिलाई बनाई उसी तरह से बनाना है इसे। देखिए आठ सिलाई में हमारा डिजाइन इस तरह से बन के आया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है बन के। तो डिजाइन पसंद आया हो तो डिजाइन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।